तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि जो हमारा DDU वेबसाइट है इस पे हम चेक करने के लिए आए थे कि हमारा जो डी फार्मा बी फार्मा के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 18 को, उसके लिए ना ही कोई नोटिफिकेशन है ना ही कुछ है जो एडमिट कार्ड के लिए। तो उसी को चेक करने के लिए जब हमने वेबसाइट को विज़िट किया तो यहाँ पे कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो वेबसाइट विज़िट करने के बाद यहाँ पे एक हेडलाइन चल रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, ये बाकी कोर्सेज़ के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो एक लाइन चल रही है रेड कलर की, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। जो 18 को एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चों का कमेंट आ रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं आया। यहाँ पे जो लाइन देख सकते हैं चल रही है, इसमें अभी थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, डी फार्मा बी फार्मा BCA BCA वगैरह करके जो नोटिफिकेशन है, पाठ्यक्रमों की जो प्रवेश परीक्षा की अनुमानित तिथि है वो 22 को कर दिया गया है, यानी अपडेट को बढ़ा दिया गया है 4 दिन के लिए। 22/9 को आपका एग्ज़ाम अब होना है, जो कि पहले 18/9 को होना था। तो इसीलिए एडमिट कार्ड आप लोगों का नहीं शो कर रहा है। तो अभी आपको एक से दो दिन वेट करने के बाद लगभग 18, 19, 20 के अंदर ही आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पे विज़िट करके आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको वीडियो दिया जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से आप भी देख सकते हैं DDU एडमिशन की पोर्टल पर जा करके। तो परेशान ना होइए, 4 दिन डेट को बढ़ाया गया है, किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम भी होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए बस।